सुप्रभात बच्चों, आज मैं निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले टेक्स्ट के रूप में बहुत सारी सामग्री भेजी गई, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न ध्वनि कविता के भाव सौंदर्य की चर्चा की जाए। दरअसल ध्वनि श्रीकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा रचित कविता है। निराला जी छायावादी कवि हैं। छायावाद के मूलतः चार आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। उसी श्रेणी में, उसी कड़ी में निराला जी आते हैं। काव्य जगत में निराला की अपनी एक विशेष पहचान है, एक अपनी विशेष छवि है। यहां इस ध्वनि शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने देश के युवा वर्ग को उद्वेलित किया है, प्रेरित किया है, ताकि वे अपने हृदय में उत्साह और उमंग का संचार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। यह दोस्तों, यह सर्वविदित है कि यह जीवन क्षणिक है, नश्वर है। इन स्थितियों में जहां क्षणिकता की बात की जाए, निराला ने युवाओं से ऐसा निवेदन किया है कि वे देश के विकास में अपने आप को अर्पित कर दें। कविता के प्रारंभिक पद्यांश में अभी न होगा मेरा अंत, इस उक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के पास आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। दरअसल इस कविता में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण का उद्घोष किया है। जनमानस में आशावादी विचारों को प्रेरित करने का काम किया है, क्योंकि अक्सर इंसान अपने जीवन में उदासीनता का भाव महसूस करने लगता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम आशान्वित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। कवि अपने अंतःकरण की ध्वनि से युवा वर्ग को उद्वेलित करने का प्रयास कर रहा है। यहां इस कविता में वसंत ऋतु की चर्चा की गई है। दोस्तों, वसंत, जैसा कि आप जानते हैं, वसंत के आगमन से पूरी प्रकृति मदमस्त सी दिखती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, खासतौर से सरसों के पीले पीले फूल, और इस तरह से प्रकृति का जो सौंदर्य है बड़ा ही मदमस्त और मनमोहक दिखता है। कवि वसंत की मृदुलता की भांति जीवन में उमंग भरने की कोशिश करता है। जिस तरह वसंत आने से पूरी प्रकृति में एक मादकता छा जाती है, एक स्फूर्ति छा जाती है, नवजीवन का संचार होता हुआ दिखता है, ठीक उसी तरह कवि भी यह प्रयास कर रहा है कि युवा वर्ग, जिसके जीवन पर देश और समाज की जिम्मेदारी है, वह भी आगे आए। दोस्तों, हर बार ऐसा महसूस किया जाता है कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का परिचय कराने की आवश्यकता महसूस की जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम आलस्य से घिरे रहते हैं। यहां कवि ने आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए युवाओं से अपने जीवन में स्फूर्ति के संचार की बात की है, स्फूर्ति के संचार की कामना की है, ताकि वे भली भांति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें।
कलियों का उदाहरण देकर और उसे अपने स्वप्निल हाथों से स्पर्श कर कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति के जीवन में सुंदर प्रभात आया है और व्यक्ति होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी संवेदना के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ जीवन की बाधाओं का आकलन करें और यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास करें। यह सर्वविदित है कि व्यक्ति समाज का सक्रिय अंग है, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, न कि समाज से हम हैं। ऐसे में जनमानस के लिए हर एक के व्यक्तित्व का विकास, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसका दृढ़ संकल्प जानना जरूरी है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है और ऐसे में निराला ने यहां इस कविता के माध्यम से एक नए प्रभात, नए संकल्प की बात की है और हमें उत्साह का संदेश दिया है कि एक युवा के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में हम अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करें। यह हमारा दायित्व है क्योंकि जीवन में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल वैसा ही मिलेगा, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करें ताकि देश और समाज में हमारा नाम रोशन हो। पुष्प से तंद्रालस खींचने की बात करते हुए कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति विशेष के हृदय में जो निराशा के भाव हैं, जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसे मिटा दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही प्रकाश का आगमन होता है अंधकार का नाश होता है, ठीक उसी तरह जैसे ही आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी भावनाएं, आशावादी विचार हमारे हृदय में आरोपित होंगे, निराशावादी दृष्टिकोण का नाश होगा और जीवन में एक नए प्रभात का उदय होगा जहां हम अपने लिए एक नया आधार कायम करेंगे, एक नया दृष्टिकोण कायम करेंगे, समाज में शांति की स्थापना होगी और हमारा जीवन मंगलमय होगा, सुखद होगा। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की चर्चा कर जीवन में मादकता को लाने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरह प्रकृति भी समय समय पर परिवर्तित हुआ करती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, मानव जीवन में भी परिवर्तन लाजिमी है। जब कभी निराशा के भाव आ जाएं, तो इंसान को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यहां इस कविता के माध्यम से भी निराला जी ने युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है ताकि वे अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करें। मूलतः यह कहा जा सकता है कि जीवन में यदि कोई कुछ सत्य है तो वह है हमारा कर्म, और हमें निसंकोच फल की चिंता किए बिना अपने कर्म में निरत रहना चाहिए ताकि हम एक नए समाज का निर्माण कर सकें, व्यक्तित्व का विकास कर सकें और समाज में शांति और स्थिरता कायम रहे, समृद्धि कायम रहे। धन्यवाद।